के बाद विद्यालय तो खोल दिए गए, लेकिन विद्यालय में बच्चों से पढ़ाई की जगह क्या कुछ कराया जाता है ये अगर आप देखेंगे तो सन रह जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के माध्यम। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख लीजिए योगी जी और देख लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश दुबे जी थी। ये है उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालात, जहां पर शिक्षा के लिए विद्यालय आते नौनिहालों से बर्तन साफ कराए जा रहे हैं। मतलब ये कि जिन उम्मीदों के साथ माँ बाप अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने भेजते हैं, वहां पर उन मासूमों से पढ़ाई नहीं बल्कि बर्तन साफ कराए जाते हैं। और ये मसला सिर्फ बर्तन साफ करने तक ही खत्म नहीं होता, बल्कि कहानी और भी है। दरअसल इन बच्चों से बर्तन साफ कराए जाते हैं और उसके बाद इन बर्तनों को दो अलग अलग जगहों पर रखाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें एससी के बच्चों के बर्तन अलग और ओबीसी और सामान्य बच्चों के बर्तन अलग रखाए जाते हैं। अब जरा कहानी विस्तार से सुन लीजिए। दरअसल मैनपुरी के विकास खंड बेबर के ग्राम पंचायत दौदापुर विद्यालय में गरिमा राजपूत प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हैं। इसी विद्यालय का एक मामला सामने आया है। एससी समाज के बच्चे व बीसी व सामान्य समाज के बच्चों के बर्तन अलग अलग रखे जाते हैं और बच्चों पर जबरिया बर्तन धुलवाए भी जाते हैं। इस बात की जानकारी जब ग्राम प्रधान मंजू देवी को मिली तो मंजू देवी ने जाके स्कूल का निरीक्षण किया। उन्हें यह सब देखने को मिला तो प्रधान मंजू सिंह ने गरिमा राजपूत से बात की। उन्होंने सब बातों को गोल मटोल कर दिया। प्रधान प्रतिनिधि साहब सिंह ने गरिमा राजपूत से बात की तो गरिमा राजपूत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके पति प्रवीण राजपूत ने कहा कि हाँ सब कुछ ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलता रहेगा। गाँव के बच्चों ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों की बर्तन क्लास में रखे जाते हैं और दूसरे बच्चों के बर्तन किचन में रखे जाते हैं। और बेटा आप यहाँ पे बर्तन धोते हो क्या? रोज ऐसे ही आप बर्तन धोते हो यहाँ पे? और हमारे बर्तन क्लास में धरे जाते हैं और बाकी बच्चे किचन में धरते हैं। और लोगों के बर्तन किचन में रखे जाते हैं और आपके बर्तन क्या नाम क्लास में रखे जाते हैं? क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ रहते हो? प्रधान प्रतिनिधि साहब सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से बात की है तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बर्तन बच्चे साफ करेंगे। बताओ प्रधान जी, क्या मामला आपके गांव स्कूल का? ऐसा है पत्रकार महोदय, मैं प्रधान प्रतिनिधि व हमारे गांव की सम्माननीय महिला प्रधान मंजू सिंह दिनांक 18/9/2021 को प्रारंभिक पाठशाला दौदापुर का औचक निरीक्षण किया, जिसमें हमने पाया कि एससी वर्ग सामान्य वर्ग बैक बैड वर्ग के जो बच्चों के बर्तन थे वो जात भाई अलग अलग रखे थे जी। जिसमें जिसको रसोई बोलते हैं, जहाँ खाना बनता है जी, उस कमरे में रसोई वाले कमरे में जनरल और बीसी के बर्तन रखे थे जी। और एक अतिरिक्त कक्ष जिसको बोलते हैं, जिसकी हालत बिल्कुल खस्ता है, टूटा पड़ा, टूटा फूटा है, पूरा चूरा है और उसमें जो बीम पड़ा है वो कई जगह से टूटा पड़ा है, किसी दिन भी उसमें कोई हादसा हो सकता है। एससी वर्ग के बर्तन उसमें थे। हमने बाकायदा मत साहब से बात की और चूंकि यहाँ पे हमारे यहाँ जो प्रधानाचार्य गरिमा राजपूत हैं, उनके पति जो है वो साथ में आते हैं, उन्हीं ने बात बताया। हमने ये भाई क्यों हमारे साहब, ये क्या मतलब आधे बर्तन उधर रखे आधे इधर रखे? उन्होंने क्या उधर बीसी के रखे हैं और इधर ये एससी के रखे? हमने ऐसा क्यों कि भाई यहाँ सदीप से होता चला आया? तो हमने उनसे कहा, हमने मां साहब भविष्य में ये काम नहीं होना चाहिए, दोबारा हमारे सामने ये बात नजर में नहीं आनी चाहिए, नहीं अलग अलग बच्चों के बर्तन होने चाहिए और नहीं बच्चों को अपने आप बर्तन धुलने चाहिए। तो आपने बच्चों को बर्तन धोते हुए देखा क्या? जी आज मैं, आज 22 तारीख को मैं आज सुबह करीब 10:45 बजे मुझे पहुंचा स्कूल में, तो बच्चे खाना खा के बर्तन स्वतः ही अपने आप धो रहे थे। उसका हमारे पास वीडियो भी है, अगर मतलब महोदय हम आपको उसका वीडियो। ये ऐसा कुछ इशू है कि वो स्कूल में जो बच्चे खाना खाते हैं तो बच्चे ही बर्तन उसको धोंगे, ऐसा कुछ इशू है क्या? ऐसा है, इस बारे में हमने अपने खंड शिक्षा अधिकारी से बात की,
इसके अलावा और भी अधिकारियों से बात की, इसके अलावा हमारे यहाँ पर लिखित भी पत्र है एक, जिसमें ऐसा कोई आदेश नहीं, उसमें सीधा सीधा आदेश है कि बच्चे कोई भी बच्चे केवल पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करेंगे, ना कि बर्तन धुलेंगे। बर्तन धुलने का कोई प्रावधान नहीं है गवर्नमेंट के यहाँ। और वहाँ पर जाने पर जब हमने ये बात उठाई आज बच्चों के बर्तन धो रहे हैं, तो बेचारी वो गरबा राजपूत वो तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन उनके पति जो है वो उल्टे हमारा ही वीडियो बनाए लगे, हम ही से गर्म हो गए, तो यहाँ तो सदीप से चलता आ रहा है। तो इसमें पता किसकी लापरवाही आ रही सामने, इसमें लापरवाही तो किसकी होगी, आप खुद ही समझ सकते हैं कि सर्वे सर्वा प्रधानाचार्य होता है, जो प्रधानाचारी लापरवाही तो प्रधानाचार्य की होगी, ना कि लापरवाही और किसी की होगी उसमें। क्या नाम है प्रधान जी आपका? साहब सिंह। कहाँ के निवासी? सौदापुर। अब सवाल ये कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है या फिर बर्तन